क्राइम थक में आपका स्वागत है दोस्तों। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ है वकार अहमद। आज बात करेंगे देशद्रोह को लेकर। देशद्रोह के मुकदमे कई सारे सुर्खियां बटोर चुके हैं और खास तौर से हाल फिलहाल में कन्हैया कुमार के मामले को हमने देखा था। तो क्यों लगते हैं ये मामले, कब भारत के इतिहास में इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन लोग जो हैं वो इसके दायरे में आए, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ आज कोर्ट से आने वाली सुर्खियों के बारे में। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में जो इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट था आरिज खान, उसको आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखते हुए आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो है उनकी मौत हुई इस पूरे मामले में, और ये तमाम लोग हथियार के साथ वहां पर बाटला हाउस में मौजूद थे, और साथ ही जो दो और पुलिसकर्मी हैं उनको भी जान से मारने की कोशिश की गई, इसलिए इस पूरे मामले को उन पुलिसकर्मियों को देखते हुए कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे और ये लोग जो है उन्होंने उसको मारने की कोशिश पुलिसकर्मियों को दो की और एक को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, उसको लेकर फांसी की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, साकेत कोर्ट ने आर्थिक दंड भी लगाया है आरिज खान पर 11 लाख रुपए का, जिसमें से 10 लाख रुपए जो हैं जो मोहन चंद शर्मा की पत्नी है उनको दिए जाएंगे। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उस याचिका पर, जिसमें कहा गया है कि जो लीगल फर्टिलिटी है, जिसमें वकील आते हैं, जजेस आते हैं, कोर्ट स्टाफ आता है, उनको जो कोरोना का वैक्सीन है वो प्राथमिकता के आधार पर लगवाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो हलफनामा कोर्ट को दिया है उसमें कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी पद के आधार पर या फिर किसी व्यवसाय के आधार पर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। प्राथमिकता देने के जो मानदंड हैं वो अलग हैं, और उसमें फिलहाल जो अभी सेकेंड फेज में चल रहा है वैक्सीनेशन, उसमें 45 साल के उन लोगों को वरीयता दी गई है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें कैंसर, डायबिटीज जैसी चीजें हैं, और दूसरा 60 साल से ऊपर के वो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और उनको पहले वैक्सीन दिए जाने की ज़रूरत है। तो अगर वकील भी इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको वैक्सीनेशन मिलेगा, लेकिन अलग से वरीयता उनको नहीं दी जा सकती है। तीसरा जो मामला है वो पटियाला हाउस कोर्ट से है। पटियाला हाउस कोर्ट पे आज 10 आरोपी पेश हुए थे जो JNU देशद्रोह केस से जुड़ा हुआ मामला है उसमें। दरअसल 2016 से अब तक इस मामले में कुछ खास नहीं हो पाया है। पहले तो पुलिस ने ही इस मामले में 3 साल से ऊपर ले लिए चार्जशीट दाखिल करने में, और चार्जशीट जब दाखिल हो गई तो दिल्ली पुलिस से सैंक्शन लेने में भी काफ़ी वक्त बीत गया था। हालांकि 2019 में दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले में सैंक्शन दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोविड के चलते जो कोर्ट्स हैं वो रेगुलर नहीं खुल पाई और ये मामला टलता चला गया। पिछले महीने कोर्ट ने उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया और उसके बाद आज 15 मार्च के लिए कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान समेत जो और बाकी के 10 आरोपी थे उनको आज कोर्ट ने सम्मन किया था पेश होने के लिए। सभी आज पेश हुए। उमर खालिद चूंकि दिल्ली दंगों के मामले में पहले ही तिहाड़ जेल में था, तो इसलिए पुलिस ने उसको पेश किया सीधे जेल से लाकर। 3 लोग इसमें ऐसे थे जिनको उस दौरान गिरफ्तार किया गया था, उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्बान, तो उनको आज जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही इस मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद जमानत दे चुका था। लेकिन बाकी और जो 7 आरोपी थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से थे और जिसमें कुछ जम्मू कश्मीर के भी छात्र बताए जाते हैं, उन लोगों ने आज 25,000 रुपए के मुचलके पर पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत ले ली है। अभी फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 अप्रैल की तारीख तय की है। अब बात करते हैं कानूनी कहानी में देशद्रोह के कानून को लेकर। ये भारत में कब से आया, कब से इसकी शुरुआत हुई, कौन लोग शुरुआत में इसके शिकार हुए, और अभी भी क्यों ये सुर्खियों में रहता है जब भी किसी पर देशद्रोह का मुकदमा होता है। क्यों सरकार को लगता है कि देशद्रोह कानून रहना चाहिए, और क्यों मानवाधिकार से जुड़े हुए लोगों को लगता है कि इसको हटाया जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे देश में देशद्रोह का कानून कब से आया। इसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ ये कानून था और 1860 में इसका मसौदा तैयार किया गया, लेकिन IPC में इसको 1870 में शामिल किया गया
और खास तौर से इसे बनाने का उस वक्त मकसद और कानून में इसको रखने का मकसद अंग्रेजों की तरफ से यही था कि जो भी भारतीय उनका विरोध करे उनकी आवाज को दबाने के लिए और उनको जेल में डालने के लिए इस कानून को रखा गया था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी इसे भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों ले लिया गया था। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें कुछ अमूल बदलाव किए गए और उसमें ये माना गया कि सिर्फ सरकार का विरोध करना जो है वो देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि अगर आप देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, देश की शांति पर असर पड़ सकता है, तब माना गया कि इस देशद्रोह के कानून को उस व्यक्ति पर लागू किया जाएगा। आईपीसी में जब इसको 1870 में लाया गया तो उसके बाद 21 साल बाद यानी 1891 में ये पहली बार किसी पर जो धारा थी वो लगाई गई। और उस वक्त एक अखबार जो था संपादक अखबार का उस पर लगाया गया क्योंकि उसने सरकार का जो एक डिसीजन था उस पर सवाल खड़ा किया था। और ये मामला लगातार चलता रहा और ज्यूरी चूंकि सहमत नहीं थी पूरी तरह से तो इसीलिए अलग अलग जो राय थी वो बटी हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया कि इस मामले में कोई एक तरफा फैसला उस एडिटर के खिलाफ नहीं है जिसने अखबार में इस आर्टिकल को डाला था जो सरकार के खिलाफ था। उसके बाद एडिटर की तरफ से एक माफीनामा दिया गया और ये मामला फिर रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बाद फिर कई स्वतंत्रता सेनानियों पर भी इसको लगाया गया और अंग्रेजों की तरफ से खासतौर से इसको बाल गंगाधर तिलक पर भी देशद्रोह का मामला चलाया गया और उन पर भी इस तरह के कई आरोप लगे कि उनके जो भाषण थे उसकी वजह से जो कई अंग्रेज अफसर थे वो मारे गए। एक नहीं दो बार उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसके बाद उनका जो अखबार था केसरी उसमें भी उन्होंने कुछ जो छापा वो अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आया और 6 साल बाल गंगाधर तिलक को फिर देशद्रोह के मामले में जेल में काटने पड़े थे। इतना ही नहीं महात्मा गांधी पर भी उनका जो आर्टिकल था जो उन्होंने लिखा उसको लेकर भी अंग्रेजों की आंख टेढ़ी थी तो वो भी इसके शिकार हुए थे। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम मामले हैं जिसमें देशद्रोह का मामला कोर्ट में प्रूव हो पाया हो। जितना ये जटिल है मामला, जिस तरह से बोला जाता है कि सबसे कहना चाहिए बड़ा मामला है जो किसी भी व्यक्ति पर चलाया जाता है देशद्रोह का, उस हिसाब से इसको प्रूव करना भी कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। और सरकारों की तरफ से कई बार जब इस तरह के मुकदमे लोगों पर किए गए हैं तो कोर्ट में ये साबित करना सरकारों के लिए काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा है, बिहार से जुड़ा हुआ एक मामला था उसमें 62 में अपना आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति भाषणबाजी कर रहा है लेकिन उसकी वजह से किसी को क्षति नहीं हुई है, कहीं न्याय व्यवस्था बिगड़ी नहीं है, तो उसको देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि सिर्फ बयानबाजी अगर किसी ने की है तो उस आधार पर उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मामला नहीं चलाया जा सकता। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, कई सारे ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन पर देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाया गया कोर्ट की तरफ से, अभी भी चल रहे हैं, उन मामलों में कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जब भी इस तरह की बात होती है कि देशद्रोह का मुकदमा आप पर दर्ज होता है तो दो आवाजें अलग अलग तरह से उठती हैं। एक तरफ माना जाता है कि हमारे देश में चूंकि लोकतांत्रिक देश है तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, यानी बोलने का अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे कानून की देश में क्या जरूरत है जिसमें देशद्रोह का मुकदमा अपने ही किसी नागरिक पर चलाए जाने की जरूरत हो। दूसरी तरफ तमाम इस तरह की चीजें हम देखते हैं जिसमें सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह के लोगों पर ये मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और उसमें कई चीजें शामिल की गई हैं, जैसे आप राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं कर सकते, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा लेख अगर लिख रहे हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा और कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी पर सवाल हो, तो ये तमाम चीजें हैं। और इसकी वजह से कई सारे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं
वो भी इसके शिकार हुए हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि माओवादी हुए या अलगाववादी हुए, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, और उसकी वजह यही होती है कि सरकार का ये कहना होता है कि देश को खतरा है इन लोगों से, और कहीं ना कहीं जो इनकी एक्टिविटी है वो देशद्रोह के दायरे में आती है। तो अब जो आईपीसी की धारा 124A है, जिसके तहत ये मामला देशद्रोह का दर्ज किया जाता है, उसके बारे में और थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक तो इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का है, जब आप पे जो आरोप लगाए गए हैं वो अगर कोर्ट में साबित होते हैं। तो यानी कि 3 साल से लेकर उम्र कैद तक आपको बितानी पड़ सकती है अगर आप देशद्रोह के मुकदमे में आप पर सारे जो आरोप हैं वो साबित हो जाते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और गैर जमानती अपराध इसको माना गया है। यानी कि एक तो अगर इस मामले में सरकार ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है या एजेंसी ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है, तो फिर इसमें समझौता नहीं हो सकता, जो छोटे मोटे मामलों में अक्सर हमने देखा है कि अक्सर पार्टीज के बीच में हो जाता है। तो यहाँ पर ये संभावना नहीं है इस कानून में। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें साबित होने के बाद उम्र कैद तक की सजा है, तो यानी कि आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसको खत्म करने की भी लगातार मांग उठती रही है समय समय पर, और खास तौर से 2019 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो था उसमें खास तौर से कहा गया कि वो अगर दोबारा आते हैं, सरकार बना पाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की जरूरत नहीं है। आज की परिस्थितियों के हिसाब से खास तौर से अपने ही नागरिकों पर इस तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर लगातार बहस छिड़ती रही है कि क्या ये कानून रहना चाहिए या ये हटना चाहिए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि कई इस तरह के मामले देशद्रोह से जुड़े हुए अभी भी कई लोगों पर देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देशद्रोह के मामले में कन्विक्ट हुए हैं कोर्ट की तरफ से। तो इस मामले में जितना इस तरह के केसेस होते हैं उसमें अदालत में ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है। अब खास तौर से अगर बात कन्हैया कुमार वाले मामले की करें, उन पर ये दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश विरोधी नारे अफजल गुरु की जो बरसी थी उस दौरान जेएनयू परिसर में लगाए। तो अगर पुलिस इसको साबित कर पाती है तभी कन्हैया कुमार को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है, और अगर ये पुलिस की तरफ से प्रूव नहीं होता है तो निश्चित रूप से फिर कन्हैया कुमार जो है वो इस मामले में बरी हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के केसेस देखा गया है कि सालों साल चलते हैं, जैसे इसी मामले में जेएनयू मामले में ही 2016 से लेकर 2021 में हम पहुंच गए, यानी तकरीबन 5 साल होने आ गए, लेकिन अभी भी इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामले इतने पेचीदे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी जुड़ी हुई होती है, जिसमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी जुड़े होते हैं, और साथ में जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पुख्ता सबूत भी देने होते हैं ताकि उन आरोपों को सत्यापित किया जा सके। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।